ये देखो भाई, अलग ही कुछ क्रिएटिविटी है भाई। नी गार्ड रहेगा ना तो नी ड्रैग हम आराम से कर लेंगे, पता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ नया देखने को मिल रहा है। आई लव पतरातु वैली, देख रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। और यार आज संडे को अपन संडे रिचुअल फॉलो करते हुए जा रहे हैं पतरातु। और आप सोच रहे हो कि भाई ये कहाँ से आ गए जब हम पतरातु जा रहे थे। तो पॉइंट ये है कि हम लोग ना यामाहा के स्पॉन्सरशिप के राइड पे जा रहे हैं, और हम लोग का भी ऐसे भी प्लान था वहीं जाने का। तो हम लोग सोचे कि जब जा ही रहे हैं तो भाई फ्री में क्यों ना चला जाए। तो बस वही अभी जा रहे हैं ऑटो विंग्स यामाहा, वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर पतरातु जाएंगे। बाकी अपने साथ ऑगी रहेगा और एक दो लोग हैं जान पहचान के अपने। बाकी मौसम आज का बड़ा चंगा सी, बारिश नहीं हुआ है भाई और एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, जो कि मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद है भाई। और ये वाइजर, पता है, ये वाइजर लगने के बाद एक चीज हम नोटिस किए हैं, जो हवा कट होती है सीधा यहाँ पर आती है। जब हम ऊपर देखते हैं ना तो मेरे पूरे हेलमेट में घुसता है हवा। एक चीज तो हम ये नोटिस किए हैं अभी तक। अरे अंकल आगे पीछे डांस कर रहे हो क्या? A few minutes later. तो फाइनली भाई राइड स्टार्ट होते हुए। और पता है यामाहा में एक चीज है ना कि सिर्फ MT और R15M ही बिक ही रही है, बाकी बाइक उतना बिकती नहीं है, या फिर बिकती भी है तो सब राइड पे ले करके नहीं आता है वाला सीन है। क्योंकि यहाँ पे भी देख लो R15 ही दिख रही है भाई, बाकी तो खैर और वैसी कोई बाइक्स है भी नहीं। और जो एक एलीट बाइक है जो लॉन्च हुआ है भाई, उसको तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, समझ रहे हो ना मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। ये देखो भाई, अलग ही कुछ क्रिएटिविटी है भाई। गजब टाइप का क्रिएटिविटी है भाई ये सब, पता है, मतलब उल्टा बैठा हुआ है भाई इतना रिस्क ले करके। बोलता है देखो भाई एक दिन हम भी बनेंगे यूट्यूबर। तो पॉइंट ये है कि भाई आपको बस क्या बोले, करने की इच्छा होनी चाहिए भाई, सारी चीजें क्या बोले हो ही जाएगी। और भाई बंदा आईफोन रखा है, इस चीज के लिए रिस्पेक्ट है भाई। देख लो आईफोन कहाँ कहाँ है। पतरातु घाटी पे आकर के धीरे आए तो फिर फायदा क्या हुआ पतरातु घाटी आने का। भाई पहला बार पतरातु घाटी पे इस बाइक से चला रहे हैं हम। और पता है हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताए, नेकेड बाइक से घाटी पे बाइक चलाना और ना फेयरिंग बाइक से बाइक चलाना एकदम डिफरेंट है भाई। मेरी बाइक फ्लिक हो रही है भाई, जब चाह रहे हैं तब राइट, जब चाह रहे हैं तब लेफ्ट। और इसी में होता क्या है पता है, लोग ना थोड़े से मतलब होता है ना कंट्रोल नहीं कर पाते इस मजे को, और उसके बाद बैम खत्म खेला। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ये सारी चीजें जितनी अच्छी दिखाई देती है ना उतनी है नहीं। एक गलती और आप निपट सकते हो।
आप जाकर के लगा कि राइड किए भाई थोड़ा सा। ये बाइक पता है कॉर्नर रॉकेट है, कॉर्नर रॉकेट मतलब इतना ज़्यादा हाई स्पीड स्टेबिलिटी ना हम किसी भी बाइक से एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। बढ़िया लग रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे सबको गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। क्या जी कैसा लग रहा है बिली? अरे यार अब भी उठा देते हैं, अब भी करके देता हूँ। और देखो यार बहुत दिनों बाद हम महीने डेढ़ महीने दो महीने बाद आए हैं तो ये कुछ नया देखने को मिल रहा है। आई लव पतरातू वैली, देख रहे हो ये कुछ नया देख रहे हैं हम। और जेन्युइनली बता रहे हैं बहुत प्यारा लग रहा है ये, मतलब जो इनिशिएटिव लिया है ना भाई, रिस्पेक्ट है उसको, प्यारा लग रहा है भाई। भाई क्या मतलब देख रहे हो इतना अच्छा मौसम है। देखो एक्चुअली ना 9:20 हो चुका है और धूप ज़्यादा है तो हम लोग को भी धूप ज़्यादा लग रहा है और थोड़ा सा मज़ा किड़किड़ा हो रहा है बस। भाई मजा आ गया यार कॉर्नर लेने में। ओ हो कौन बोलता है कि भाई R15 चलाने में मजा नहीं आता। भाई इसको रेव रेंज में चलाओ, रेव रेंज में चला के ट्राई करो, मतलब कि 5.5-6.5 पे तब आपको लगेगा कि आप चला रहे हो कुछ दमदार। 2 hours later तो भाई देखो नाश्ता पानी करके अब अपन निकल चुके हैं भाई और अब होगा असली राइड, क्योंकि अब कोई बाउंड्रीज नहीं है। बहुत देर से धीरे चल रहे थे, अब एकदम मन नहीं हो रहा है कि धीरे चले हम। क्या झुकाए हैं भाई बाइक। हो नी गार्ड रहेगा ना तो नी ड्रैग हम आराम से कर लेंगे, पता है बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यार देखो इस धमाकेदार से ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं आप सभी से फिर से किसी नए से धमाकेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।